गाइज अभी आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार ब्लैक मैजिक, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैजिक दिखाने के बाद आपको बताएंगे कि इस ब्लैक मैजिक को कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास है नॉर्मल सा एक कॉपी, तो यहाँ हम लेते हैं थोड़ा सा पानी और इसे हम मंत्र पढ़कर डालेंगे और आप देखिएगा कि किस तरह से ये जादू होता है। तीन बार हम डालेंगे, दो बार हो गया, ओ अबे, फिर हम डालेंगे और फिर यहाँ पे मैजिक करके और इसे कर देंगे हम बंद। वाह, ओ माय गॉड, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा है कुछ मैजिक। ओ माय गॉड, क्या बात है गाइज। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने आसानी से बिल्कुल पानी डालकर और तीन बार मंत्र जाप करने से इस कॉपी में आग लग गया है। तो मेरे पास है दीपक, अगर दीपक को दीपक से ही जला दिया जाए, यानी कि दो दीपक लेकर एक दूसरे में सटा करके ही आग लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, बगैर माचिस से ऐसा किया जा सकता है। तो चलिए, मेरे पास एक यहाँ दीपक है और एक यहाँ है, अब हम दोनों को आपस में यहाँ सटा देंगे और फिर देखते हैं कि दोनों में किस तरह से आग लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों को हम एक साथ मिला दिए हैं, अब इसमें हम करने जा रहे हैं मैजिक, आबरा कदाबरा गिली 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 छू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों को हम एक साथ डाल दिए हैं, अब इसमें मैजिक होगा और यह ऑटोमेटिक इसमें आग लगेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इस पेपर पर जादुई छड़ी को घुमाते ही इसमें आग पकड़ लेगा। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे हाथ में पेपर है और पेपर में कुछ नहीं डाले हैं, इस पेपर को हम यहाँ पर रख रहे हैं। अब हम इसमें मैजिक करेंगे और फिर देखिएगा, आबरा कदाबरा गिली 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 छू, गिली 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 छू, गिली 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 छू। देखिए कैसे मैजिक होता है, गिली 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 छू, गिली 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 छू। अब इसमें मैजिक हो रहा है, गिली 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 छू। अब देखिए कैसे इसमें आग पकड़ेगा, गिली 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 छू, गिली 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 छू। अब देखिए, दोस्तों ये देखिए सिगरेट है, इसे हम इस ग्लास के अंदर डाल दिए। अब देखिएगा कैसे भूत इस सिगरेट को पिएगा। अब देखिए इस ग्लास में हम डाल दे रहे हैं इस प्लेट को और आप देखिए फिर, वाह, देखिए कैसे अपने आप सिगरेट जल रहा है और भूत इसे पी रहा है। वाह, क्या बात है, आप देख सकते हैं कितना यह खतरनाक जादू है। ओहो, इस मैजिक को हम कैसे दिखाए हैं इसका खुलासा करने जा रहे हैं। तो इस मैजिक को करने के लिए इस्तेमाल करना होता है दो केमिकल का, एक पोटेशियम परमैंगनेट और एक ग्लिसरीन, दोनों को सेटिंग करने के पीछे ही जादू है। तो यहाँ पे हम बीच का एक पेज लेंगे जहाँ पे पिन रहता है कॉपी का या किताब का, तो
वहाँ पे मार्क करने के लिए कि यहीं पे मेरा जो है पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे जो पिन है ठीक इसी के पास में हम इसे डालेंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा फैलाकर, इस तरह से फैलाकर और फिर हम इसे हम सार देंगे यहाँ पे फेविकॉल की मदद से। तो यहाँ पे एक पेज लेकर आप फैला दीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पे पूरी तरह से इसे हम फैला दिए। अब फैला देने के बाद यहाँ पे चारों तरफ से फेविकॉल डाल देंगे। फेविकॉल डालने के बाद अब मेरा मैजिक यहाँ पे शुरू हो रहा है। अब इसे हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद जब भी हम पेज उठाएंगे तो ठीक जहाँ पे पिन है वहीं पे जाना है और रुक जाना है, और रुक कर फिर इसके ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट तो इसके नीचे डाला हुआ है, अब हम डालेंगे ग्लिसरीन को। तो यहाँ पे झूठ मूठ का मंत्र हम पढ़ते हैं और मेरा तो मकसद रहता है यहाँ पे किसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देना है। इसे डाल देंगे यहाँ पे और डाल देने के बाद हल्का सा यहाँ आप हो सके तो डालते वक्त यहाँ कुछ नाखून इस तरह से आप डाल देंगे। डाल देने के बाद इसके अंदर ऑटोमेटिक एक ग्लिसरीन चला जाएगा। अब इसे बंद करेंगे तो इस तरह से यह आग लग जाएगा। तो यहाँ ले लिए हम थोड़ा सा कॉटन और इस कॉटन में हम डालेंगे इस पोटेशियम परमैंगनेट को और फिर हम इसे लपेट देंगे यहाँ पर लिए और इसी के ऊपर हम इसे डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डाल लिए हैं और डाल लेने के बाद एक और कॉटन ऊपर से डाल देंगे हम ताकि यह अच्छी तरह से ढक जाए और इधर उधर नहीं गिरे। अब इसके अंदर सेट हो चुका है हमारा ट्रिक। अब हम कहीं भी इसे बगैर माचिस से आग लगा सकते हैं। तो इसे यहाँ पर हम डाल देते हैं और डाल देने के बाद अब हम कुछ इस तरह से इसे ऊपर की तरफ निकाल देंगे ताकि देखने वाले को लगे कि यह दीपक है। ओके, अब फिर हम एक और कॉटन लेंगे और इस कॉटन को कुछ इस तरह से मोड़ देंगे और मोड़ देने के बाद इसमें हम रखेंगे ग्लिसरीन को। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो इसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्लिसरीन। तो यहाँ पर हमने इस ग्लास में पहले से ले रखा है ग्लिसरीन, तो बस अब इसमें इसे डालते हैं। ओके, यहाँ पर इसे हम डाल दिए इसमें, अब इसे हम यहाँ पर लेकर रखते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ कुछ इसका ढांचा तैयार कर देना है दीपक के जैसा। अब हम कुछ यहाँ पर डाल देंगे बाहर से भी ताकि अच्छे से इसमें आग पकड़ सके। अब यह इसे इसी के जगह पर छोड़ देंगे, अब बस कुछ बात करके इसे यहाँ पर लाकर छोड़ देना है और यह ऑटोमेटिक इसमें आग पकड़ लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस दीपक में अब आग पकड़ लिया है। तो दोस्तों, जिस तरह से एक मैजिक आइटम से कई मैजिक दिखाया जा सकता है, उसी तरह से एक ही केमिकल से आप कई तरह का मैजिक दिखा सकते हैं। तो इस मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो सामान का ज़रूरत होगा, सबसे पहले एक रुमाल का, और रुमाल को इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके यहाँ से एक ऐसे और फिर एक उल्टा, फिर ऐसे सीधा करके और इस तरह से आपको लपेट कर रख लेना है ताकि एक इसका एक छोर पकड़ने के बाद ये सारा रुमाल खुल जाए। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके पकड़ लेना है। तो रुमाल लेने के बाद आपको ज़रूरत होगा एक कांच के गिलास का जो कि पारदर्शी हो। तो इसमें आपको सबसे पहले डाल करके रखना होता है ग्लिसरीन, जो कि लिक्विड में आता है और पानी जैसा दिखता है। तो इस तरह का ग्लिसरीन हम इसमें डाल करके रख लेंगे। तो दोस्तों, इसमें अब ग्लिसरीन डाल चुके हैं। अब सेकेंड स्टेप में हम इस रुमाल वाले हाथ में अब एक टिश्यू पेपर में मोड़ कर रखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को। तो दोस्तों, यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा बना लेंगे टिश्यू पेपर का और इसके ऊपर डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि कम मात्रा में रखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा डाल देने से आपका स्मोकिंग कम और उसमें आग ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मात्रा ही लेकर के और इसका एक गोली टाइप का इस तरह से बना लेंगे। और दोस्तों, अब तैयार हो गया है पोटेशियम परमैंगनेट का एक गोली जो कि इस तरह का दिखेगा। अब आपका मैजिक रेडी हो चुका है। यहाँ पर है ग्लिसरीन डाला हुआ जो कि
दिखाई नहीं देता है क्योंकि थोड़ा सा मात्रा में यहाँ पर डाला हुआ रहता है। और यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट की एक गोली बना करके, जो कि टिश्यू पेपर में, आपको एक टिश्यू पेपर लेना होगा और उसी टिश्यू पेपर में इसे हम डाल करके और एक गोली बनाकर और यहाँ से इस रुमाल से हम इसको ढक करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसे हम पसीना पोंछने के बहाना लेकर के और फिर यहाँ पर इसे हाथ लाएंगे और रुमाल से हल्का सा इसे यहाँ पर ढक दिया जाता है और फिर इसे यहाँ पर गिरा दिया जाता है और इसके बाद इसे इस तरह से यहाँ ढकते हैं। और देखिए आप, सिंपली यहाँ से ये स्मोकिंग हो जाता है। और इसे दिखाने के लिए हम एक छड़ी का उपयोग किए हैं और इस छड़ी में ही वो ट्रिक छुपा हुआ है। यह जो छड़ी है एक प्लास्टिक वायरिंग पाइप का बना हुआ है और इसके इस बीच में इस टेस्ट ट्यूब को डाले हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कैंची से चीर कर और इस टेस्ट ट्यूब को डाल दिए हैं और इसके बाद एक सेलो टेप अच्छी तरह से इस छड़ी में सार दिए हुए। छड़ी मेरा ऐसे में रेडी हो गया। इसके बाद हम क्या किए कि कार्बन डाइसल्फाइड में व्हाइट फास्फोरस को मिलाकर यानी एक घोल बनाकर इसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लिए हुए थे। कार्बन डाइसल्फाइड डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं व्हाइट फास्फोरस। इसे पानी के अंदर स्टोर करके रखा गया है। इस बोतल में पानी डाला हुआ है और इसके अंदर व्हाइट फास्फोरस को, दोस्तों जब हम व्हाइट फास्फोरस को बोतल से बाहर निकालेंगे यानी पानी से बाहर निकालेंगे तो किस तरह से धुआं निकलेगा ये देखिए आप। वाह, अब इसे इसमें डालेंगे। व्हाइट फास्फोरस पानी में घुलता नहीं है इसलिए इसे हम घुलाने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड में डाल रहे हैं। अब इसको जरा सा हिलाएंगे हम ताकि व्हाइट फास्फोरस अच्छी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड में मिल जाए। अब मेरा मैजिकल घोल तैयार है। अब हम इसे आसानी से जादू दिखा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या किए हैं कि चारों तरफ ऐसे छड़ी को घुमाए हैं और यह जो घोल है यह ऊपर डाले थे और इसके बाद फिर इसे जब घुमाने के लिए तैयार हुए हैं उस समय इसे यहाँ से हम शुरू किए हैं और फिर चारों तरफ ऐसे घुमाए हैं और फिर यहाँ पर टच कर रहे थे आबरा का दाबरा कुछ मंत्र पढ़ते हुए। आप यहाँ टच कीजिए, इसके बाद खड़े होकर मंत्र बोलिए, थोड़ी देर बाद यह आग जलेगा। यहाँ ऐसे मंत्र किए हैं और देखिए इसे यहाँ पर हम डाले हैं। ओके, यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए। अब यहाँ पर अनाप शनाप मंत्र पढ़ते रहना है, आबरा का दाबरा गिली गिली छू, आबरा का दाबरा गिली गिली छू। ओके, अब बस थोड़ी ही देर में यह आग जलने लगेगा। बस थोड़ा सा आपको टाइम पास करना है, आबरा का दाबरा गिली गिली छू, आबरा का दाबरा गिली गिली छू। अब देखिए बस थोड़ी देर में यह रिएक्ट कर गया। अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि धुआं निकलने लगा है। अब आगे देखिए क्या होता है। ओहो वाह दोस्तों, इस मैजिक को दिखाने से पहले तैयारी करना होता है। इस ग्लास में पहले से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल कर रखेंगे यानी HCl डाल कर रखेंगे इस ग्लास में। इसके कुछ बूंद ही यहाँ पर हम डाल कर रखेंगे, डाल कर रख दिए। अब इसके बाद इस प्लेट में द्रव अमोनिया का कुछ बूंद डालकर पहले से रखेंगे और इसके बाद जब इस द्रव अमोनिया को इस ग्लास में लाना है उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें सिगरेट हम डालेंगे और सिगरेट डालने के बाद यहाँ पर इसे लाएंगे और इसे हल्का ऐसे छोड़ेंगे। देखिए इसमें नहीं डाले हैं फिर भी इसे धुआं निकल रहा है, यानी जैसे जैसे इसमें हवा स्पष्ट करेगा HCl का वैसे वैसे आपको ऐसा महसूस होगा धुआं निकल रहा है। देखिए अभी भी इसके अंदर ही है, इसमें बस कुछ बूंद का ही ज़रूरत है। अब ज़्यादा ना डालिएगा फिर भी चलेगा। अब देखिए इसको यहाँ डाल दिए, अब देखिए कितना धुआं इससे दे रहा है और इसे प्लेट इसे ऐसे लगा देते हैं और फिर जब निकालते हैं तो देखते हैं इसमें धुआं भरा हुआ है और सिगरेट को पी चुका है जिन भूत। ऐसे उठा कर रखेंगे यहाँ पर ताकि धुआं निकले और लोग को लगे
कि वास्तव में यहां पर सिगरेट पी रहा है। दोस्तों कैसा लगा यह विज्ञान पर आधारित मैजिक कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा।